हेलो एंड वेलकम टू स्टडीजर एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का लास्ट वाला पोर्शन विच इज रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं इसे हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में जो पहले नंबर पर था आपकी इस बुक में वो था ब्रोंकाइटिस, उसे भी हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फाइजमा। तो एम्फाइजमा इट इज द इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स, ओके, इन विच द अल्वियोलर वॉल्स आर रिस्ट्रिक्टेड एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स आर डैमेज एंड नैरोड। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं। लंग्स में क्या क्या होता है, तो लंग्स जो है, जो लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाइज होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं। इसे हम जाके फिर स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये किस किस्म का डिजीज है, तो ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है। इरिवर्सिबल डिजीज में या इरिवर्सिबल डिसऑर्डर मीन के अगर ये एक बार हमारे लंग को इफेक्ट करे, फॉर एग्जांपल इसने ये जो डिसऑर्डर ये हमें हो गया और हमारे जो लंग्स है वो 15% जो है वो इफेक्ट हो गए, तो इस तरह नहीं होगा कि हम अगर इसके लिए कोई मेडिसिन यूज़ करेंगे वगैरह तो फिर ये कम हो जाएगा, 10% तक आ जाएगा, 5% तक इवेंचुअली ये ख़त्म हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। इरिवर्सिबल मीन्स ये कि अगर इसने हमारे जो लंग्स है वो 15% इफेक्ट किए हैं तो वो 15% होंगे, उससे कम नहीं होंगे और ये आगे जाके और भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। और प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, तो प्रोग्रेसिव मीन्स के डिजीज के 3 स्टेज होते हैं, या तो वो माइल्ड स्टेज पर होता है यानी बिल्कुल लो स्टेज पर होता है, फिर वो डिसऑर्डर है वो मॉडरेट बन जाता है, उसके बाद जो ये बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। तो ये भी उस किस्म का डिजीज है जिसमें ये पहले लो स्टेज पे होता है यानी माइल्ड स्टेज पर होता है, फिर मॉडरेट, उसके बाद बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो ये एक जो एम्फिजमा है एक इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द लंग्स है। अच्छा, हमने इधर पढ़ा कि जो इसमें अल्वियोलर वॉल्स और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं ये भी इफेक्ट होते हैं, तो वो किस सारे इफेक्ट होते हैं उसे हम इधर स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। देख इधर, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स है, जो आपको ट्यूब्स नजर आ रहे हैं हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आपको इन पे नजर आ रहे हैं ये हमारे अल्वियोलाइज हैं। तो अगर हम इसे ड्रॉ कर ले इस इधर क्लियरली, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं ये नॉर्मली इस सारे दिखते हैं, और जो हमारे अल्वियोलाइज होते हैं वो नॉर्मली इस तरह दिखते हैं। ये नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब हमें एम्फाइजमा हो जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप देखिए इधर, एक ये इधर एक क्लियर पाथवे है फॉर द पैसेज ऑफ एयर, लेकिन ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है ये इधर डैमेज हुए हैं, यानी इसमें जो फासला है वो कम हुआ पड़ा है, ठीक है। और दूसरी जो आप देख सकते हैं जो इनर वॉल है अल्वियोलाई की, ये भी इधर डैमेज हुए हैं, तो ये जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है वो इस तरह चेंज हो जाता है एम्फाइजमा में। तो ये दो काम होते हैं एम्फाइजमा के अंदर। अभी और क्या होता है एम्फाइजमा के अंदर, तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स लॉस्ट इट्स इलास्टिसिटी एंड इट बिकम्स लार्ज। जो हमारे लंग्स होते हैं वो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और ये लंग जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं, इसका जो साइज होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। ये लंग्स की जो इलास्टिसिटी होती है ये एक प्रोटीन है जो हमारे लिवर से सिक्रेट होता है, उसका नाम है अल्फा वन एंट्री ट्रिप्सिन। ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे लिवर से सिक्रेट होता है। अगर इसका सिक्रीशन या इसका प्रोडक्शन कम हो जाए, इसकी डिफिशेंसी आ जाए हमारे बॉडी में, तो जो लंग्स होते हैं उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, और हम और ये जो लंग्स होते हैं ये इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। एंड लेसगीसिस एक्सचेंज, इसकी वजह से फिर हमें पता है कि जब ये ब्रोंकियल वॉल्स है जो ये टूट जाते हैं, तो हमें पता है कि इसके सरफेस पे ब्लड वेसल्स होते हैं तो वो भी टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी इफेक्ट हो जाता है, यानी वो कम हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, लंग्स डू नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, एयर ट्रैप इन लंग्स। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन ऑफ एयर जब हम करते हैं, तो उसके बाद जो लंग का ओरिजिन पोजीशन है वो ये मैनेज नहीं कर पाता, और ये जो एयर होता है ये हमारे लंग से अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में या इसकी डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि जो एम्फिजमा है ये एक इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव डिजीज है हमारे लंग्स का, जिसमें जो हमारे ब्रोंकियल अल्वियोलर वॉल्स है वो टूट जाते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो नैरो हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ जो हमारे लंग्स की जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है, और उसके रिजल्ट में जो हमारे लंग्स होते हैं उसका साइज बढ़ जाता है,
और जब ये अल्वियोलर वॉल्स टूट जाते हैं तो हमें पता है कि इस इन अल्वियोलर वॉल्स की सरफेस पर ब्लड वेसल होते हैं जिस जिसमें ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना जाना होता है, तो वो भी वो ब्लड वेसल भी टूट जाता है, उसकी वजह से जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है वो भी इफेक्ट हो जाता है। अब हम अगर इसकी कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम्फिजेमा एंड ब्रोंकाइटिस। यानी एम्फिजेमा उन लोगों को ज़्यादा लगेगा जो जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा अगर एक बंदा है वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है और वहाँ पर पोल्यूटेंस बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूटेंस की वजह से भी हमें एम्फिजेमा लग सकता है। और जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है जो हमारे लिवर से सिक्रेट होता है, जिसके जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, अगर उसकी डिफिशेंसी आ जाए तब भी हमें एम्फिजेमा हो सकता है। और अब पढ़ते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एम्फिजेमा। तो सबसे पहले इसमें इसके जो अलामत है उसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन कि हमें सांस लेने में मसला होगा, क्योंकि ये इसे हम पिछले लेक्चर में भी डिटेल से कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। इसका जो रीज़न है वो हम पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ साथ क्या होगा, कपिंग होगा, लेकिन ये बहुत सीवियर कपिंग होगी, मतलब ये कहाँ सी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा होगी, सीवियर कपिंग इसको उसे कहते हैं। और फिटिक, फिटिक मीन यानी हमें थकावट महसूस करेंगे, क्योंकि क्योंकि जब बंदा कांसा है बार बार तो उससे उसकी वजह से उसे थकावट होती है, और उसका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी हमें थकावट महसूस होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो इसका सिम्टम है वो है साइनोसिस। साइनोसिस एक इस तरह कंडीशन है हमारे बॉडी का जिसमें हमारे लिप या हमारे जो फिंगर टिप्स या हमारे जो आईलिड है ये ब्लू ब्लू कलर के हो जाते हैं। ब्लू क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन आ जाते हैं। उधर ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है ये भी टूट जाते हैं, जो अल्वियोलर वॉल्स है वो भी टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से इनके सर्फेस पे जो ब्लड वेसल होते हैं वो भी टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इफेक्ट होता है। तो जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है वो कम हो जाते हैं। तो डिफिशेंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये साइनोसिस होता है। इसमें हमारे आईलेड हमारे फिंगर टिप्स और हमारे जो लिप्स है इसका इनका कलर क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर के दिखते हैं। अगर हम इसकी जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके काज में सबसे पहले आता है स्मोकिंग। 70-80% ये जो एम्फिजेमा है ये हमें स्मोकिंग की वजह से लगता है, तो अगर हम स्मोकिंग छोड़ लें तो ये जो एम्फिजेमा है वो ठीक हो सकता है। ठीक होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो हमारे लंग्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा कि ये इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। अगर इसने हमारे लंग्स को 50% इफेक्ट किया हुआ है वो तो होंगे, लेकिन आगे मजीद हमारे जो लंग्स है वो इफेक्ट नहीं होंगे। ये एक ट्रीटमेंट है। इसके साथ हमें एक्सरसाइज के थ्रू भी हम इसे ठीक कर सकते हैं, या इसी तरह ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा लंग बिल्कुल मतलब ख़राब हुआ है, अगर ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, पीक स्टेज पे है एम्फिजेमा, तो फिर हमें लंग ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। यानी हम जो हेल्दी पेशेंट है उसे हम लंग लेंगे और जो जिसको एम्फिजेमा हुआ है उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, तो फिर हमें लंग ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि जो एम्फिजेमा होता है एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है हमारे लंग्स का, जिसमें हमारे अल्वियोलर वॉल्स और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो इफेक्ट होते हैं। इसके कॉजेज में सबसे पहले आता है स्मोकिंग, और फिर उसके बाद आता है पोल्यूटेंस वगैरह। इसके जो सिम्टम्स में उसमें आते हैं कपिंग, सीवियर कपिंग, इस तरह साइनोसिस, और उसके बाद जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, ये सारे इसके सिम्टम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।